ओम शांति 27/9/2024 की मुरली है। मुख्य रूप से बाबा ने कहा, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ बैठ सबकी सदगति करते हैं। आगे कहा, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से ना लगे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद की मेहनत तुम सबको करनी है। तुम अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। प्रश्न है, सर्व की सदगति का स्थान कौन सा है जिसके महत्व का सारी दुनिया को पता चलेगा? उत्तर, आबू भूमि है सबकी सदगति का स्थान। तुम ब्रह्मा कुमारीज के सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो, यह सर्वोत्तम तीर्थ स्थान है। सारे दुनिया की सदगति यहाँ से होनी है। सर्व का सदगति दाता बाप और आदम ब्रह्मा यहाँ पर बैठकर सबकी सदगति करते हैं। आदम अर्थात आदमी, वो देवता नहीं है, उसे भगवान भी नहीं कह सकते। ओम शांति, डबल ओम शांति, क्योंकि एक है बाप की, दूसरी है दादा की, दोनों की आत्मा है ना, वो है परम आत्मा, यह है आत्मा। वो भी लक्ष्य बतलाते हैं कि हम परम धाम के रहवासी हैं। दोनों ऐसे कहते हैं, बाप भी कहते हैं ओम शांति, यह भी कहते हैं ओम शांति, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात हम आत्मा शांति धाम की निवासी है। यहाँ अलग अलग होकर बैठना है, अंग से अंग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हरेक की अवस्था में योग में रात दिन का फर्क है। कोई बहुत अच्छा याद करते हैं, कोई बिल्कुल याद नहीं करते। तो जो बिल्कुल याद नहीं करते वो है पाप आत्मा तमो प्रधान, और जो याद करते हैं वो हो गए पुण्य आत्मा सतो प्रधान। बहुत फर्क हो गया ना। घर में भल इकट्ठे रहते हैं परंतु फर्क तो पड़ता है ना। इसलिए ही तो भागवत में आसुरी नाम गाए हुए हैं। इस समय की ही बात है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह है ईश्वरीय चरित्र जो भक्ति मार्ग में गाते हैं। सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे, बाप अभी ही शिक्षा देते हैं। सतयुग में तो यह बिल्कुल भूल जाते हैं, फिर द्वापर में शास्त्र आदि बनाते हैं और कोशिश करते हैं राजयोग सिखलाने की, परंतु राजयोग तो सिखा ना सके, वो तो बाप जब सम्मुख आते हैं तभी आकर सिखलाते हैं। तुम जानते हो कैसे बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद आकर ऐसे ही कहेंगे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, ऐसे कभी भी कोई मनुष्य मनुष्य को कह ना सके, ना देवताएं देवताओं को कह सकते हैं। एक रूहानी बाप ही रूहानी बच्चों को कहते हैं। एक बार पाठ बजाया, फिर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाएंगे, क्योंकि फिर तुम सीढ़ी उतरते ही हो। तुम्हारी बुद्धि में अब आदि मध्य अंत का राज है, जानते हो वो है शांति धाम अथवा परम धाम। हम आत्माएं भिन्न भिन्न धर्म की सब नंबरवार वहाँ रहती है निराकारी दुनिया में। जैसे स्टार्स देखते हो ना, कैसे खड़े हैं, कुछ देखने में नहीं आता, ऊपर में कोई चीज़ नहीं है, ब्रह्म तत्व है। यहाँ तुम धरती पर खड़े हो, यह है कर्म क्षेत्र, यहाँ आकर शरीर लेकर कर्म करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब मेरे से वर्षा पाते हो तो 21 जन्म तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता है, वो है ईश्वरीय राज्य जो अब ईश्वर स्थापन कर रहे हैं।
बच्चों को समझाते रहते हैं, शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। स्वर्ग शिव बाबा ने स्थापन किया ना, तो शिव बाबा को और सुखधाम को याद करो। पहले शांति धाम को याद करो तो चक्र भी याद आएगा। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी याद कराना पड़ता है। हे मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो। प्रतिज्ञा करते हैं, तुम याद करेंगे तो पापों से मुक्त करूँगा। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी है, उनको वर्ल्ड ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वेदों शास्त्रों आदि सब को जानते हैं। तब तो कहते हैं इनमें कोई सार नहीं है, गीता में भी कोई सार नहीं है। भल वो सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है माई बाप, बाकी सब है बच्चे। जैसे पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा है, बाकी सब बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को आदम कहते हैं, आदम माना आदमी। मनुष्य है ना, तो इनको देवता नहीं कहेंगे, एडम को आदम कहते हैं। भक्त लोग ब्रह्मा एडम को देवता कह देते। बाप बैठ समझाते हैं, एडम अर्थात आदमी ना देवता है ना भगवान है, लक्ष्मी नारायण है देवता। डीटिज्म है पैराडाइस में, नई दुनिया है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी तो वो सब है माया के वंडर। द्वापर के बाद माया के वंडर्स होते हैं। ईश्वरीय वंडर है हेवन स्वर्ग, जो बाप ही स्थापन करते हैं। अभी स्थापन हो रहा है। यह जो दलवाड़ा मंदिर है, इसकी वैल्यूज़ का किसको भी पता नहीं है। मनुष्य यात्रा करने जाते हैं तो सबसे अच्छा तीर्थ स्थान यह है। तुम लिखते हो ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आबू पर्वत, तो ब्रैकेट में यह भी लिखना चाहिए सर्वोत्तम तीर्थ स्थान, क्योंकि तुम जानते हो सर्व की सदगति यहाँ से होती है। यह कोई जानते नहीं। जैसे सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वैसे सर्व तीर्थ में श्रेष्ठ तीर्थ आबू है। तो मनुष्य पढ़ेंगे, अटेंशन जाएगा। सारे वर्ल्ड के तीर्थों में यह है सबसे बड़ा तीर्थ, जहाँ बाप बैठ सबकी सदगति करते हैं। तीर्थ तो बहुत हो गए हैं, गांधी की समाधि को भी तीर्थ समझते हैं। सब जाकर वहाँ फूल आदि चढ़ाते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ना, तो तुमको यहाँ बैठे दिल अंदर बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम हेवन की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। पढ़ाई भी बहुत सहज है, कुछ भी खर्चा नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मा को एक पाई खर्चा लगा? बगैर कौड़ी खर्चा पढ़कर कितनी होशियार नंबर वन बन गई, राजयोगिन बन गई ना। मम्मा जैसी कोई भी नहीं निकली है। देखो, आत्माओं को ही बाप बैठ पढ़ाते हैं, आत्माओं को ही राज्य मिलता है। आत्मा ने ही राज्य गवाया है। इतनी छोटी सी आत्मा कितना काम करती है। बुरे ते बुरा काम है विकार में जाना। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। छोटी सी आत्मा में कितनी ताकत है, सारे विश्व पर राज्य करती है। इन देवताओं की आत्मा में कितनी ताकत है। हर एक धर्म में अपनी अपनी ताकत होती है ना, क्रिश्चियन धर्म में कितनी ताकत है। आत्मा में ताकत है जो शरीर द्वारा कर्म करती है। आत्मा ही यहाँ आकर इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करती है। वहाँ बुरा कर्तव्य होता नहीं। आत्मा विकारी मार्ग में जाती ही तब है जब रावण राज्य होता है। मनुष्य तो कह देते विकार सदैव है ही। तुम समझा सकते हो, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो विकार हो कैसे सकते। वहाँ है ही योग बल। भारत का राजयोग मशहूर है। बहुत सीखना चाहते हैं, परंतु जब तुम सिखलाओ और तो कोई सिखला ना सके। जैसे महर्षि था, कितनी मेहनत करता था योग सिखलाने के लिए, परंतु दुनिया थोड़े ही जानती कि यह हठ योगी राजयोग कैसे सिखलाएंगे। चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं,
एक बार वो कह दे कि सचमुच भारत का प्राचीन राजयोग सिवाय बीके के कोई समझा नहीं सकते हैं तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी यह आवाज़ हो, सब थोड़े ही समझेंगे। बड़ी मेहनत है, महिमा भी होगी पिछाड़ी में। कहते हैं ना, अहो प्रभु अहो शिव बाबा आपकी लीला। अभी तुम समझते हो तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सद्गुरु और कोई समझते नहीं। यहाँ भी बहुत है जिनको चलते चलते माया हैरान कर देती है तो बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी मंजिल है, युद्ध का मैदान है, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। वो लोग विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तुम यहाँ पांच विकारों को जीतने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम विजय के लिए, वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों काम इकट्ठा होगा ना? अभी टाइम पड़ा है, हमारा राज्य थोड़े ही स्थापन हुआ है, राजाएं प्रजा अभी सब बनने हैं। तुम आधा कल्प के लिए बाप से वर्षा लेते हो, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता नहीं। वो लोग भल कहते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, मरने के बाद उनको थोड़े ही मालूम है कि कहाँ गया, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तुम जानते हो जो शरीर छोड़ते हैं वो फिर दूसरा शरीर ज़रूर लेंगे, मोक्ष पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम बच्चे सम्मुख सुनते हो, गरम गरम हलवा खाते हो, सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाते हैं? ब्रह्मा, यह तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं। झट सुनते हैं और धारण करते हैं, फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में बैकुंठ में इनका ही साक्षात्कार करते हैं, यहाँ भी उनको ही देखते हैं इन आँखों से। बाप पढ़ाते तो सबको है, बाकी है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको डिफिकल्ट लगता है वैसे इनको भी, इसमें कोई कृपा की बात नहीं। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है, इनका हिसाब किताब दे देंगे, बाकी याद का पुरुषार्थ तो इनको भी करना है। समझता भी हूँ, बाजू में बैठा है। बाप को हम याद करते फिर भी भूल जाता हूँ, सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। युद्ध के मैदान में जो महारथी पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो उनकी ही माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर था। जितना जास्ती पहलवान उतना जास्ती माया परीक्षा लेती है, तूफान जास्ती आते हैं। बच्चे लिखते हैं बाबा हमको यह होता है, बाबा कहते हैं यह तो सब कुछ होगा। बाबा रोज़ समझाते हैं खबरदार रहना। लिखते हैं बाबा माया बहुत तूफान लाती है, कोई कोई देह अभिमानी होते हैं तो बाबा को बतलाते नहीं है। तुम अभी बहुत अकलमंद बनते हो, आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिलता है, आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती है। पहले तो गरीब ही उठाते हैं, बाप भी गरीब निवाज गाया हुआ है, बाकी तो वो लोग देरी से आएंगे। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, यह है पिछाड़ी का संबंध, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर मिलेंगे, फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहाँ पर साला, चाचा, मामा आदि बहुत संबंध नहीं होते, संबंध बहुत हल्का होता है, फिर बढ़ता जाता है। अब तो बाप कहते हैं भाई बहन भी नहीं, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी निकल जाना है। बाप भाइयों अर्थात आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है तब भाई बहन है ना। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे भाई भाई बनाएंगे। गीता में भी वो बातें नहीं है, यह है बिल्कुल न्यारा ज्ञान। ड्रामा में सब नूंद है, एक सेकेंड का पार्ट ना मिले दूसरे सेकेंड से, कितने मास, कितने घंटे, कितने दिन पास होने हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होंगे।
कम बुद्धि वाले तो इतनी धारणा कर ना सके, इसलिए बाप कहते हैं यह तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जबकि संगम है, तुम ही देवी देवता थे, यह जानते हो जब इनका राज्य था तब और कोई धर्म नहीं था, अभी तो इनों का राज्य है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अब पिछाड़ी का समय है, वापस घर चलना है, इसलिए अपनी बुद्धि नाम रूप से निकाल देनी है, हम आत्मा भाई भाई है यह अभ्यास करना है, देहाभिमान में नहीं आना है। दूसरा, हर एक की अवस्था और योग में रात दिन का फर्क है, इसलिए अलग अलग होकर बैठना है, अंग अंग से ना लगे, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। वरदान है आज का, बाप के प्यार में अपनी मूल कमजोरी कुर्बान करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा देखते हैं अभी तक पांच ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजोरिटी के चलते हैं, ज्ञानी आत्माओं में भी कभी कभी अपने गुण व विशेषता का अभिमान आ जाता है, हरेक अपनी मूल कमजोरी व मूल संस्कार को जानता भी है, उस कमजोरी को बाप के प्यार में कुर्बान कर देना यही प्यार का सबूत है। स्नेही व ज्ञानी तू आत्माएं बाप के प्यार में व्यर्थ संकल्पों को भी न्यौछावर कर देती है। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर स्थित रहे सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो, सम्मान की सीट पर स्थित रहे सर्व को सम्मान देने वाले माननीय आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।